नमस्ते फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ सुंदर ओलियंडर फ्लावर के साथ। तो देखिए मेरे गार्डन में ओलियंडर ये वाइट वाला भर के खिल रहा है और सभी धीरे धीरे खिल रहे हैं फ्रेंड। और मेरे सदाबहार देसी वाले बहुत अच्छे चल रहे हैं और बहुत दिनों से हमारे यहाँ 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो देखिए ग्लाडिया के फ्लावर भी कैसे हो गए, ये सब कट करना है। इस तरह के फ्लावर स्प्रेंड हो जाए तो आपको प्लांट पर से हटा देना है, फिर बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगी आपके प्लांट पर। और इधर देखिए आलमंडा तो मेरा भर के फूल खिल रहा है डेली। और इधर देखिए जट्रू का बहुत अच्छा प्लांट है, इस समय आप ज़रूर लगाइए। और दोनों में देखिए बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं। तो फ्रेंड जैसा कि बारिश का टाइम चल रहा है और ये जो टाइम होता है ये कोई भी कटिंग लगाने का बहुत अच्छा टाइम होता है, तो इस समय हम जो भी कटिंग लगाते हैं वो आसानी से लग जाती है। तो ऐसे में हमें अपने गार्डन में हमें थोड़े कलरफुल पत्तियों वाली प्लांट की भी कटिंग लगाना चाहिए, जिनकी पत्तियां इतनी कलरफुल होती है, इतनी खूबसूरत होती हैं कि देखने में बहुत अच्छा लगता है और फूलों की कमी नहीं महसूस होती है। तो ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिन जो रंगीन पत्ती वाले होते हैं, तो हमें ऐसे प्लांट की कटिंग ज़रूर लगा लेनी चाहिए। तो देखिए ये मैं एक क्रोटोन की टहनी लाई हूँ कहीं से, किसी से मांग के। और इस तरह से इस सब में ना बहुत अच्छा टाइम होता है, कोई भी कटिंग हम लगाते हैं ना, छोटी से छोटी कटिंग भी और किसी भी प्लांट की, तो वो एकदम उसमें रूट आ जाती है और बहुत अच्छी तरह से मतलब लग जाती है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है। पहले मैं लगाई थी लेकिन मेरे प्लांट वो ख़राब हो गए थे लगने के बाद, तो इसे फिर लगा रही हूँ। तो इसको मैं इन जो ये ब्रांचेस दिख रही हैं इनको कट कर लूँगी, जो भी हमारी इस तरह की है इसको भी हटा दूँगी फ्रेंड, और यहाँ से इसको कट कर लूँगी। और जब हम कटिंग कोई भी लेते हैं तो एक काम करना चाहिए कि जैसे कि मैं इस पानी में रखी थी रात भर, कल मैं ये कटिंग लाई थी, तो थोड़ा टाइम के लिए जब तक हम नहीं लगाते तब तक अगर हम इस कटिंग को इस तरह से पानी में ले दे रखते हैं तब ये जितना पानी लेना रहता है उतना ले लेता है, फिर बहुत आसानी से चल जाती है। तो फ्रेंड इस तरह से इसको यहाँ से काट लूँगी मैं और इसमें हमारी कई सारी कटिंग तैयार हो जाएगी। देखिए तो ये लीव्स इतनी कट कर दूँगी और इसमें ये बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हैं तो इन्हें भी थोड़ी थोड़ी इनकी पत्तियाँ कट कर देंगे, नहीं तो सब एनर्जी पत्तियाँ ही ले लेती हैं, फिर जल्दी इसमें रूट नहीं बनती है। तो इसलिए जो भी लंबी पत्ती वाले आपके कटिंग हैं तो उनकी थोड़ी थोड़ी पत्तियों को इस तरह से ट्रिम कर दीजिए और बहुत आसानी से लग जाता है ये। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से ये मैंने कटिंग कर ली हूँ और इसकी सब लीव्स भी हटा ली हूँ। और इधर मैं ये थोड़ा एलोवेरा ले रखी हूँ, तो एलोवेरा थोड़ा सा लगा लगा के और फिर मैं इसको नॉर्मल सॉइल में ही लगाऊंगी। और देखिए नॉर्मल सॉइल जो बनानी है वो ऐसे ही मिट्टी किसी भी आप वेस्ट चीज़ में भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास कोई प्लांटर है तो उसमें डाल दीजिए, फिर उसमें पानी डाल दीजिए और इस मिट्टी को दबाना नहीं है। बस एक काम और करना है इसमें कि इस तरह से ये एलोवेरा जेल ऐसे लगा लगा करके और इस ब्रांच को बस ऐसे ही आपको इसमें बस ऐसे ही लगा कर छोड़ देना है और कुछ नहीं करना, और बहुत आसानी से लग जाती है। और इस समय तो वैसे भी बहुत आसानी से लग जाती है कटिंग, कुछ नहीं करना पड़ता है। और एलोवेरा बहुत अच्छा है और एंटी फंगस का भी काम करता है। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग लग जाएगी और रूटिंग हार्मोन्स का भी बहुत अच्छा वर्क करता है जो एलोवेरा है, हमें अलग से ख़रीदना नहीं पड़ता है। और देखिए बहुत आसानी से लग जाएगा ये। तो फ्रेंड देखिए कितना आसानी से लग गया है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सॉइल लेनी है और मिट्टी में कुछ नहीं मिलाना है और ना ही तो मिट्टी को प्रेस करना है, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए बिल्कुल, और आसानी से लग जाएगा। और बड़ी आसानी से इसमें रूटिंग भी आ जाती है। और थोड़ी उसे शेड में रखिए कि ज़्यादा तेज़ धूप ना पड़े। तो इस तरह से आप जब कलरफुल पत्तियों वाले भी कोई जो भी प्लांट होते हैं हमारे गार्डन में उनकी छोटी से छोटी कटिंग लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से ये सब भी लगा के रखती हूँ, ये जो मेरे हैज टाइप का मैं बना रही हूँ और ये पर्पल हार्ट है, सब कटिंग से रेडी कर रखी हूँ मैं। और आप कोलियस की भी कटिंग लगाइए, देखिए बहुत सारे कलरफुल पत्तियों में मिल जाते हैं।
और ड्रेसिना की इतनी सारी वैरायटी होती है, इतने कलर होते हैं, इन्हें भी आप कटिंग से तैयार करिए। और जैसे कि आप पोइनसेटिया भी लगा सकते हैं, देखिए मेरा कटिंग से ही तैयार प्लांट है, कितना बड़ा हो गया है। और अब ये विंटर में बहुत अच्छा इसका लुक आता है, इसकी ये पत्तियाँ कलरफुल हो जाती हैं ऊपर की, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये देखिए, ये जो हैज मैं बना रही हूँ उनकी कटिंग लगाई हूँ और ये सब लग गई हैं। और इस समय बारिश हो रही है तो बड़ी आसानी से लग जाती है, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत बढ़िया होती है, जो कि हम किसी भी प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो बड़ी आसानी से लग जाती है। और इस समय हर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। देखिए कुछ समय पहले मैंने अपने ये हिबिस्कस के प्लांट ट्रिम कर दी थी, तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और यहाँ भी देखिए, तो जितनी ग्रोथ बढ़िया होगी उसमें अच्छे ही ब्रांचेस आएंगे और फिर कलियाँ बनेंगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आएगी। फ्रेंड, गार्डनिंग ऐसा काम है कि इसमें इंसान खाली नहीं बैठ सकता, हर मौसम के अनुसार हमें अपने गार्डन में कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं कि हम हर प्लांट खरीद के लाएं, हमें जब इधर उधर से कटिंग मिल जाती है तो लगा लेना चाहिए और उससे अच्छे प्लांट तैयार हो जाते हैं फ्री के। और जब इस तरह के कलरफुल हम पत्ती वाले प्लांट खरीदते हैं तो बड़े महंगे भी मिलते हैं, तो इन्हें अगर हम कटिंग से रेडी कर लेते हैं तो हमारे गार्डन में बहुत अच्छा लुक आता है। अगर हमारे पास ज़्यादा फूल नहीं है तो भी इस तरह के प्लांट लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। तो देखिए, इस तरह के प्लांट भी आप कटिंग लगाइए और हैज की तरह आप इसको भी लगाइए। तो मैंने इसके बहुत सारी कटिंग रेडी कर ली हूँ, आपको दिखाई हूँ अभी। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।